शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। कैसे हो दोस्तों? दोस्तों आज हम आपके लिए एक ऐसा उपाय लेकर आए हैं जिसकी वजह से आपको दो दो फायदे होने वाले हैं। उपाय आपको एक ही करना है किंतु आपको दो फल प्राप्त होंगे। एक, जिसका कर्जा चढ़ा हुआ है उसका कर्जा मुक्ति हो जाएगा। जी हाँ, अगर उसके ऊपर कोई कर्जा है, लंबे समय से नहीं उतर रहा है, तो कर्जा मुक्ति का साधन निकल आएगा, पैसों का अरेंजमेंट हो जाएगा। दूसरा, अगर कोई आपका पैसा लेकर भाग गया है तो वो आपका पैसा स्वयं ही लौटा जाएगा। जी हाँ, यह उपाय इतना ज़्यादा कारगर और प्रभावकारी है कि यह दोनों पर ही अचूक काम करता है। प्रदीप मिश्रा जी ने यह उपाय अपनी कथा में बताते हुए कहा था कि जो भी इंसान इस उपाय को करेगा उसकी दोनों ही समस्याएं अपने आप ही सुलझने लग जाएंगी और अचानक से उसके पैसे जहां पर रुके हुए हैं वह आने लग जाएंगे और उनकी जो अगर कर्ज से संबंधी हुई जुड़ी समस्या है तो वो भी दूर हो जाएगी। अगर कोई पैसा लेकर चला गया और लौटाने का नाम ही नहीं ले रहा है तो भी उनको यह उपाय करना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, प्रदीप मिश्रा जी के जो भी उपाय वो अपनी कथा में बताते हैं हमारे इस चैनल में, वही उपाय एक एनिमेशनल वीडियो द्वारा तैयार किए जाते हैं ताकि ये उपाय हम आपको समझा सकें, ताकि आप कोई भी उपाय गलत ना करो क्योंकि गलत उपाय करने से दोष लगता है। आइए समझते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको कुछ सामग्रियों की ज़रूरत होगी, जैसे कि आपको एक बेलपत्र, 7 चने के दाने, एक लोटा जल और उसके बाद आपको 3 शमी के पत्र ले लेने हैं। जी हाँ, आपको 3 शमी पत्र, एक बेल पत्र, 7 आपको चने की दाल के दाने और साथ में आपको कुमकुम या रोली ले लेना है। अब इन सब सामग्रियों को आपको इस शुद्ध लोटे के जल में भर लेना है। यह जो लोटा होना चाहिए तांबे का होना चाहिए और जो दिन है रविवार का होना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आपको अपने घर की छत पर चले जाना है और उत्तर की तरफ मुख कर लेना है। जी हाँ, यह उपाय आपको उत्तर के मुख की तरफ ही करना है। यह सब सामग्री आपको सूर्य देव को अर्थात सूर्य नारायण को अर्घ देते हुए यह उपाय करना है। आइए समझते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है। इस उपाय को करने के लिए आपने उत्तर की तरफ जब मुख कर लेना है तो यह आप जो जल होगा आपने धीरे धीरे सूर्य नारायण को समर्पित करते जाना है और आपको उनसे प्रार्थना करनी जानी है। याद रखें, जब आप जल अर्पण कर रहे होगे तो आपका शमी पत्थर और साथ में बेल पत्थर नीचे नहीं गिरना चाहिए। उसके गिरने से पूर्व ही आपने पहले अपने मन की कामना कह देनी है और उसके बाद ही उन पत्थरों को जमीन पर गिरा देना है। बस इतना सा ही उपाय है जो आपको ध्यान से करना है। वीडियो अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।